मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर ब्लॉक मुरार के ग्राम बिलारा में पायल मिटाए 5 लाख की लागत से बनाया गया नाला टहनी की कगार पर है। वही कचरा डंप करने के लिए बनाया गया स्थान पर प्राइवेट व्यक्ति ने कंडों का बिटारा लगा लिया है। पानी की आपूर्ति के लिए पंचायत द्वारा लिया गया टैंकर का मेंटेनेंस का पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन आज तक उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। मनासन अवस्था में रखा हुआ है। सरपंच कर रहा है अपनी मनमानी। विनोद कुमार जी, आप बिलारा के सरपंच अभी चले गए हैं, आपके शासनकाल में अभी एक नाला हमने देखा जिसकी बाउंड्री वॉल बहुत घटिया बनाई गई है, और कितनी लागत से बनाई गई थी वो बाउंड्री वॉल? इसकी लगभग लागत 5 लाख रुपए थी। नरेगा से बनाया था। नरेगा से बनाया गया था, तो ये इतना घटिया बनाया, आपने इस पर गौर नहीं किया? नहीं, अभी हम जब देख के आ रहे हैं तो हाथ से टूट रही है। बनाया तो था सही है। और सही कैसे, जब आप देख हम देख रहे हैं उसमें लगी नहीं आपके रहे सही है? नहीं, उसका मूल्यांकन संबंधित अधिकारी ने किया है। उसका भुगतान हो चुका है? अब ये तो नहीं पता होगा, उसमें कुछ रह भी गया पैसा पैसा। और वो कचरा डालने का जो ठिया बनाया है उसमें बिटोरा लगाया किस? जी साहब मुझे नहीं पता, ना मैंने लगवाया बेटा। तो आप इस गांव में नहीं रहते क्या, आपने देखा नहीं अभी तक? मैंने देखा था अभी परसों, अभी बीच में एक लोग आए थे उस समय गया था मैं तो देखा था। मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि बेटा गांव में स्वच्छता की क्या परिभाषा बताइए। यहां तो हम देख रहे हैं जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियां चौक हैं बिल्कुल। सुनो तो, स्वच्छता के लिए ये बिलारा पंचायत ओडीएफ प्लस में है। मैं कोई आगे के लिए बोलता हूँ कि बिलारा में पंचायत में थोड़ी गंदगी है, उसकी साफ सफाई के लिए व्यवस्था या कुछ अलग से होना चाहिए। वो पहले से संबंधित अधिकारी बोल देते हैं कि आपका ग्राम पंचायत बिलारा ओडीएफ प्लस में पहले से ही मौजूद है। 5 लाख की नाली का बिल्कुल इतनी घटिया निर्माण किया गया, और जो कचरा डंप के लिए बनाया जाता है उस पर बटोरा लगा दिया है, मतलब प्राइवेट कब्जा कर लिया गया बिलारा में। आपके माध्यम से मतलब अब ये जो जानकारी प्राप्त हुई है इसको मैं एक बार अपने दल के माध्यम से जांच करवा लूंगा, उसके बाद में इसमें।